तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि बिना मास्क के कोई भी ना घूमे, कोई भी शख्स बिना मास्क के घूमा या बिना मास्क का कोई भी शख्स पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, एक दूसरे से हाथों को बार बार धोता रहें। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने मास्क लगाते रखें और बिना मास्क का कोई भी हाथों को बार बार धोता रहें। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने मास्क लगाते रखें और बिना मास्क का कोई भी शख्स पाया गया। कुछ लोग जो है परेशान भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप देख सकते हैं कि यहां पे पुलिस स्टेशन डोडा की जो गाड़ी है वो जो है अभी यहां पर अनाउंसमेंट कर रही है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि दिखाएं आप वो गाड़ी, जिस गाड़ी में जो है अनाउंसमेंट हो रही है, मास्क को लेकर अवेयर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। कि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर जो भी मास्क के बिना हमें दिखा तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा या कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन देखने को हमें ये मिलता है कि विदाउट मास्क बहुत सारे लोग होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मुंह जो है बहुत सारे लोग जो है छुपा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है विदाउट मास्क आप देख सकते हो जा रहे हैं। लेकिन पुलिस इस साइड में अनाउंसमेंट कर रही है और बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ साथ में ही जा रहे हैं और विदाउट मास्क जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए आगे आगे पुलिस की गाड़ी गई और पीछे जो है विदाउट मास्क जो है लोग चल रहे हैं और बिना मास्क के जो हैं वो लोग रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे चल रहे, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो गाड़ी में हैं, गाड़ी के बाहर हैं। आपको पता है कि कोरोना वायरस का कहर कितना जो है वो बढ़ रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे तोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है, देखिए वो कंडक्टर है वहाँ पर उस मेटाडोर का, उसने जो है मास्क नहीं पहना है। आप देखिए इसके अंदर दो तीन बच्चे हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो विदाउट मास्क चल रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से सिर्फ अनाउंसमेंट की जाती है, पुलिस के द्वारा सिर्फ अनाउंसमेंट की जाती है कि मास्क पहनिए नहीं तो जुर्माना किया जाएगा। मैंने यहाँ पे देखा नहीं, लोगों को समझना चाहिए, पुलिस तो अपना काम कर रही है लेकिन जब किसी के ऊपर कार्रवाई होगी, किसी के ऊपर मास्क को लेकर कार्रवाई होगी तो तब जाकर जो है लोगों को भी समझ आएगी। लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे। आप देख सकते हैं, देखिए अंकल कितनी उम्र होगी इनकी, लेकिन ये जो है बिना मास्क के जो है चल रहे हैं, बिना मास्क के जो है बाज़ार में घूम रहे हैं, गैदरिंग में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड डोडा के अंदर कितना रश है, लेकिन जो है मास्क को लेकर सिर्फ अवेयरनेस ही की जा रही है, कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। स्कूल्स की बात अगर करें तो डोडा के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप सभी को पता है कि स्कूल्स जो हैं वो बंद करवाए गए हैं। और देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो शेड्यूल वाइज शुरू किए हैं, तीन दिन जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जाएगा और थर्ड और फिफ्थ, ऐसे तीन तीन दिन करके जो है शेड्यूलिंग चल रही है कॉलेज के अंदर। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर जो है हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे भी केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी क्या कॉलेजेस बंद करती है या उनका ऑर्डर क्या रहता है, या हमारी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स उठाती है और वो क्या करती है। आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी कि उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, फारूक अब्दुल्ला को भी जो है कोरोना वायरस हो गया था और उनको जो है रिटर्न लिया गया था। उमर अब्दुल्ला को भी कोरोना वायरस जो है वो हो गया, लेकिन लोग जो हैं फिर भी जो है विदाउट मास्क चल रहे हैं, जो है मार्केट के अंदर अवेयरनेस जो है जारी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के डोडा के द्वारा कि मास्क जो नहीं पहनेगा उसके ऊपर जो जानकारी, जो मतलब अभी बताया जा रहा है कि अगर बात की जाए हमारे यहाँ के पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन की तो वो सिर्फ जो है बता रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं लोगों को। ये दो तीन दिन से अनाउंसमेंट चल रही है, जब से द लोकल रिपोर्ट ने संडे मार्केट के ऊपर जो है मास्क को लेकर जो है बातचीत की, आप देख सकते हैं कि विदाउट मास्क जो है घूम रहे हैं लोग। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं, जब हमने दिखाया कि मास्क के बिना है गैदरिंग कर रहे हैं तो एक्शन में जो है देखने को मिला कि मास्क को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लेकिन लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। लोग खुद जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मास्क जो लगाना है, मास्क
लगाना ज़रूरी है। मास्क लगाने से हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनसे वायरसेस से बचते हैं, तो इन सब चीज़ों को लगाना मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर एक डोडा के नागरिक से कि आप जो है मास्क लगाएं, साथ ही में जो SOPs हैं उसको फॉलो करें, ताकि जो है क्योंकि देखिए आप बहुत सारे वहाँ पे दिखा सकते हो कि बड़े सारे लोग अभी भी यहाँ पे कैमरा घुमा के आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे कि जो विदाउट मास्क यहाँ पे घूम रहे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये लापरवाह है, बिल्कुल उनको पता तक नहीं है कि होने क्या वाला है। ये कोरोना वायरस जो है जिसने स्कूल्स बंद कर दिए, ये लोग तभी चाहेंगे जब लोगों के बीच में जब बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तब जाके बोलेंगे हम मर रहे हैं, लेकिन SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि SOPs को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है और चीज़ों को लेकर फॉलो करना है, लेकिन जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मास्क के बिना है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग गपशप लड़ा रहे हैं तीनों मिलके, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में मास्क क्यों नहीं लगाया है। भाई साहब मुझे बताओ मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी पुलिस वाले यहाँ से बोल के गए जुर्माना होगा, बोला ऐसा जुर्माना लिया आपसे, बताएं हाँ क्यों नहीं लेंगे जुर्माना? मास्क लगाना जरूरी है ना, पुलिस वाले अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं पुलिस वाले, जनता के लिए तो फिर लगा क्यों नहीं रहे हो? मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो आप? कब लगाओगे जब पुलिस वाले धोया नहीं है ना, दूसरा ले लो धोया तो। बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बहाना हर एक के पास है, मैसेज हर एक कोई देता है कि मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन लगाते नहीं है। तो मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये पुलिस वाले हों या एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, हमारे स्कूल जो इन्होंने बंद किए वो इसलिए नहीं किए कि हम लोगों के लिए नहीं किए, क्या हमारे हम लोगों के लिए किए? मैं पूछना चाहूँगा आपसे, पूछना चाहूँ किसके लिए किया? दुनिया के, हम लोगों के लिए किया या उनको कोई पैसे कमाने? दुनिया के लिए। दुनिया के लिए ना, तो दुनिया में हम आते हैं डोडा वाले, क्या आते हैं डोडा वाले, क्या नहीं आते हैं? तो फिर मास्क लगाना जरूरी है? ज़रूरी तो है। ये हर पुलिस वाले यहाँ से अनाउंसमेंट करके गए कि जिसने मास्क नहीं लगाया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई प्लस जुर्माना होगा। वो तो किसी सीधे साधे के ऊपर जुर्माना करेंगे कि आम लोगों के ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर हम आप ये बता रहे हैं कि बड़े लोगों के ऊपर नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे फिर? तो ये बड़े लोग इतने हैं ना, इनको क्यों नहीं किया? आप लगा रहे मास्क, दूसरों को बोला नहीं उन्होंने, तो देख के गए ना यहाँ से वापस, किसी को जुर्माना नहीं हुआ? दुकानदारों को जुर्माना नहीं? किसी दुकानदार को देखो, दे दो रिपोर्ट आ गई भाई क्या मामला है। ये सिर्फ स्कूली बच्चों के साथ जिद है कि सिर्फ आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ स्कूल्स के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए बात है? तो जब बाजार में कोई मरता नहीं है तो स्कूल में कौन मर रहा है? और सिर्फ पढ़ाई के पीछे लगे पड़े हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर वालों को तंग कर रहे हैं सिर्फ, नीचे बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं उसके बारे में हम नहीं बोल सकते? वो क्या, मैं तो बड़े सारे न्यूज़ देखते होंगे। नहीं नहीं वो नहीं देख सकते, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलेंगे हम। आप बोले नहीं बोलोगे आप? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनसे भी समझदार लगते हैं, इनसे पूछेंगे आप क्या, आप क्या, आपका नाम क्या? उधर आगे जाओ। नाम क्या आपका? मेरा नाम तो बताओ। बबलू। क्या नाम है? बबलू है। बबलू। अच्छा मुझे बताएं कि स्कूल आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं। स्कूल्स बंद हो गए? स्कूल बंद है। तो आप मुझे बताएं कि सिर्फ स्कूल्स के बच्चों के लिए, तो जितने सारे जो है दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो गैदरिंग कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए उधर उधर सही बात है, वहाँ देखिए गैदरिंग देखिए कितनी अच्छी। ये देखिए सरपंच साहब हैं, ये सरपंच साहब ने मास्क नहीं लगाया, अब दिखाएं अच्छे से। ये सरपंच साहब हैं, ये मास्क लगा के नहीं घूम रहे। अभी देखिए अभी निकालेंगे जेब में से। ये देखिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मास्क नहीं पहना हुआ है इन्होंने। वो देखिए वहाँ पे आधे लोगों जो है सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं शो ऑफ करने के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए, मीडिया से बचने के लिए। आखिरकार जो SOPs बनाई गई हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं, किसके लिए बनाई? अब देखो कितने सारे लोग जो है विदाउट मास्क घूम रहे। अब देखना ये है कि लोग जो है खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमारी भी यही रिक्वेस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है, पुलिस भी इसी काम में लगी हुई है, लेकिन कोई पुलिस के द्वारा भी एक्शन करने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर एक्शन होगा तो तभी जो लोग हैं वो सुधरेंगे, क्योंकि डोडा के लोग जो हैं वो लापरवाह है और लापरवाही करते हैं। इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त जो है कोई एक्शन देखने को हमें मिलना चाहिए, तब जाके लोग सभी जो है SOPs फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और साथ ही में जो है मास्क पहनेंगे। आप यूं ही जुड़े रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।